दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें मजीद वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे खेतों में कच्चे घर हैं, कच्चे मकान बनाए हुए हैं दोस्तों लोगों ने, वो आपको दिखाऊंगा और एंजॉय करूंगा। और आप देख सकते हैं कि मैं अपने खेतों में रोटी देने जा रहा हूं अपने पापा को, तो बिल्कुल दोपहर का वक्त है। किसी भी आदमी की आपको पीछे आवाज़ें नहीं आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी, वो भी इसलिए क्योंकि दोपहर का वक्त है। जैसे इंसान दोपहर के वक्त आराम करता है, इसी तरह जानवर भी दोपहर के वक्त परिंदे दरख्तों पर बैठ कर आराम करते हैं, तो ये भी इस वक्त दरख्तों पर बैठ के आराम करते हैं। आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको कि जो जानवर है सिर्फ उनकी आवाज़ें आती हैं, इंसान की आवाज़ें नहीं आती, इंसान की सिर्फ मेरी आवाज़ें आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, जी आप देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है, गर्मियों का मौसम आ गया है, और ये रहा कच्चा मकान, ये मंजी, तो जानवर छांव में बांधे हुए हैं। तो आगे भी चलते हैं, एक उधर है, उधर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उनके खेतों में कुत्ते बहुत रहते हैं डोगी, तो मुझे डोगियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं साइकिल पे हूँ, आगे आगे चलते जाते हैं और आपको दिखाता हूँ। और ये वाला हमारा डेरा है, डेरे का शायद आपको ना ही पता हो, ये परिंदे देखे कितने खूबसूरत हैं। और इधर खुलाते हैं साइकिल को, ये बैल है इधर, ये कड़ा। अब उतरते और इसको स्टैंड पे लगाते हैं, ये लगा दिया स्टैंड पे। दोस्तों आपने देख लिया होगा कि मैं खाना खुला लिया अपने अब्बू को, जो देखे छापर में है। तो अब चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ, अपने वीडियो की तरफ। अब आपको दिखाते हैं कच्चे घर मिट्टी के, और एक जे रहा मिट्टी का कच्चा घर, कितना प्यारा है, खूबसूरत है। तो इसमें रखते हैं एक बोतल पानी की इधर, ये देखें इधर रखी, और इधर से इसको उठाया, और इधर इधर लगा देते हैं। चलो बाद में सेट करके डाल देंगे। तो अब चलते हैं, इसको ताले को लगाते हैं, ऐसे लगेगा नहीं, एक हाथ में बैल है। तो और दोस्तों अभी आपको मैं बता दूं कि दोपहर का वक्त है, कौवे परिंदे जानवरों की आवाजें आ रही हैं, गर्मी का मौसम है, और वो दरख्तों पे बैठे हुए हैं। तो के एक किधर है, तो इधर वाला आपको दिखाता हूँ, जो कि मिट्टी का कच्चा घर है। और दोस्तों ये वाला वो अमरूद है, ये वाला जिससे पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि अमरूद खाए, सच अमरूद खाए थे, मेरा दिमाग किसी और तरफ है। तो अभी चलते हैं, मिट्टी के ऊपर पसीना भी बहुत आ रहा है क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। चलो ऊपर चलते हैं। तो एक दोस्तों ये रहा मिट्टी का घर, ये देखें
और इन डेरे वालों में भी इधर रखे हुए हैं जानवर छाँव में। तो ये रहा, आपको अंदर से भी दिखाना था लेकिन ताला लगा हुआ है। ये जैसे देख ले, तो चलते हैं वापस। वो रहे सामने केले। तो दोस्तों आपको दिखाया मैंने कच्चा घर, ये कुदर है। और वापस दोबारा हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो फिर रास्ते में और भी कच्चे घर आएंगे इसी तरह के, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ज़रूर। तो ये जिसमें मैं चाह रहा हूँ, ये पाली पहली है ज़मीन है, इसमें गाचा लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये गाचा है, ये गंदम है, ये वाला जामुन है, वो भी आपको दिखा लाया हूँ। तो पसीना तो बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। और ये देखिए कितना प्यारे हैं जामुन के पत्ते, अभी अभी निकल रहे हैं। और इनको ये देखे जामुन भी लगे हुए हैं, ये बड़े होकर जामुन बनेंगे ये वाले। चलो आगे चलते हैं। कौओं की देखें आप, आवाज़ें आ रही हैं। तो ये वाली हमारी बकरियाँ हैं, इनके ऊपर कानों की वजह से शाइन की हुई है। ये हमारा बैल है, ये हमारा जाती अपना घर है, कोठा है। और ये जानवर का चारा काटने वाली मशीन है। और अब चलते हैं इस साइकिल पे और रास्ते में आपको दिखाते हैं। और एक ये है, आपको पहले ही दिखा दिया ये वाला कच्चा घर। और इधर से देख लें कि कितनी चढ़ाई है, जो साइकिल से ऊपर ले जानी पड़ती है, फुल तेज करना पड़ता है साइकिल को। जी आगे बताओ कैसा है सीन, चेक कर जाए और बताते जाएं। दोस्तों ये भी कैसे छाँव में बैठी हुई हैं भैंसें, ये तो कच्चे नहीं हैं, ये तो पक्के मकान है, पक्की ईंटों के। वैसे कच्चों के कच्चों कच्ची ओ सॉरी कच्ची मिट्टी में शामिल किए जाते हैं। ये गाय हैं, ये भी भैंस है। कैसा लगा नज़ारा, ये है वो मकान। और ये रहा हमारा इधर गांव। कैसी लगी आज की वीडियो, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। जिनको नहीं पसंद आई वो भी लाइक कर दे। आपके भाई का चैनल है, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।